दोस्तों, जैसे आप सबको पता ही है कि टाटा कंपनी अपनी माइक्रो एसयूवी टाटा पंच को लेकर काफी सीरियस है और अब इसे टाटा कंपनी बहुत ही जल्द इंडियन मार्केट में लॉन्च भी करने वाली है, जिसके लिए टाटा कंपनी काफी सारे टीजर रिलीज कर चुकी है। इनफैक्ट इसका एक और टाटा मोटर्स ने एक और ऑफिशियल वीडियो रिलीज किया था, जिसमें ये इसका एक्सटीरियर लुक इसका रिवील किया गया था, जिसमें की देखा जा सकता है कि रियल लाइफ में दिखने में कैसी होगी। और काफी समय से जो टाटा मोटर्स टीजर रिलीज कर रही है उसमें सिर्फ इसके एक्सटीरियर लुक को दिखाया गया है, और जो कि स्पाइड इमेज सामने आ रही है उसको उसमें भी सिर्फ इसके एक्सटीरियर को ही देखा जा सकता है। लेकिन अब फाइनली कुछ स्पाइड इमेजेस ऐसी आई है जिसमें इसके इंटीरियर को रिवील कर दिया गया है, मतलब कि कुछ ऐसी इमेजेस है जिसमें इसके डैशबोर्ड का लुक और इसके जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इसका स्टीयरिंग व्हील है ये कैसा होगा ये क्लियरली देखा जा सकता है, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा मैं आपको दिखाता हूँ वो स्पाइड इमेज जिसमें इसके इंटीरियर को देखा जा सकता है। सो देखिए, जो स्क्रीन पर आपकी इमेज आ रही है ये है इसके इंटीरियर, जहाँ पर इसमें देखा जा सकता है कि इसमें आपको ड्यूअल टोन फिनिश के साथ इसका डैशबोर्ड आपको देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर इसमें आपको जगह जगह पर ब्लू इंसर्ट्स भी देखने को मिलेंगे। और जैसे कि हमने आपको पहले कई वीडियो में बताया गया है कि इसमें आपको काफी सारी चीजें एल्ट्रोल से बोरो की जाएगी, टाटा कंपनी इसमें मतलब एल्ट्रोल से काफी सारी चीजें जो है इसमें शेयर करेगी। तो जो आप इसमें स्टीयरिंग व्हील देख रहे हो वो भी सेम ही यूनिट है जो कि टाटा एल्ट्रोल में आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जो आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें देख पा रहे हो वो भी सेम ही आपको जो टाटा एल्ट्रोल में देखने को मिलता है वो भी यहाँ पर इसमें ऑफर किया गया है, जो कि एक सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि जैसे मैंने आपको बताया इसका ड्यूअल टोन फिनिश के साथ इसका डैशबोर्ड आपको देखने को मिलने वाला है, और साथ ही साथ जैसे ही आपको नेक्सॉन में एक बड़ी सी स्क्रीन और एल्ट्रोस में भी जैसे आपको एक फ्लोटिंग टाइप स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिलता है वो भी यहाँ पर ऑफर किया गया है, जो कि हार्मन कार्डन का है। और साथ ही साथ इसमें सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर सबसे खास बात तो ये है कि इसमें आपको क्रूज कंट्रोल तक का फंक्शन भी इसमें आपको देखने को मिलने वाला है। और साथ ही साथ जैसे कि टाटा मोटर्स ने अभी कुछ टाइम पहले टीजर वीडियो रिलीज किया था जिसमें इसमें टाटा ने कंपनी ने हिंट दिया था कि इसमें आपको ड्राइव मोड्स भी ऑफर किए जा सकते हैं, सो इसमें कंपनी ने ड्राइव मोड्स भी ऑफर किए हैं। इसके अलावा इसमें टाटा कंपनी इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन भी इसमें ऑफर कर रही है, जो कि काफी बढ़िया चीज है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह इसका इंटीरियर देखने में लगने वाला है, और ये उन लोगों के लिए काफी अच्छी बात है, मतलब उन लोगों के लिए काफी बढ़िया चीज है जो कि जिन्होंने हाल ही में इसकी अनऑफिशियल बुकिंग कर दी है, क्योंकि टाटा कंपनी ने इसकी अनऑफिशियल बुकिंग को लेना अपने डीलरशिप पर स्टार्ट कर दिया है। बाकी अगर इसके एक्सटीरियर डिजाइन के बारे में बात करें तो हमने इसके ऊपर पहले से ही कई वीडियो बनाए हुए हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अगर बात करें इसके में मिलने वाले इंजन ऑप्शन की, तो कंपनी इसमें आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन ऑफर करेगी, जो कि अराउंड 85 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करेगा। और ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें आपको कंपनी टर्बोचार्ज 1.2 लीटर की एक मोटर भी ऑफर कर सकती है, जो कि आपको 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ इसमें आपको देखने को मिलने वाले ही है। सो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसी तरह की कारों की लेटेस्ट अपडेट आप मिस आउट नहीं करना चाहते तो आप हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड ड्राइव सेफ।